हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको फिगरल एनालॉजी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। रीजनिंग के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके रीजनिंग के सेक्शन में पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़े प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स को अक्सर इन क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फिगर ऐसे एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी एंड फोर फिगर जो आपको क्वेश्चन मार्क है, ब्लैंक है फोर फिगर, वो आपको इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढनी है। ओके स्टूडेंट्स, इनमें बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी स्टूडेंट्स। पहले जो क्वेश्चन है हमारा, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप फिगर को देखिए। पहली जो फिगर है हमारी उसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है एंड सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक डॉट है। ओके स्टूडेंट्स, राइट। एंड सेकंड फिगर को आप देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल जो फर्स्ट में था वो ट्रायंगल हटा दिया गया है एंड सेकंड जो सर्कल था वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर चला गया है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया। फर्स्ट फिगर का रिलेशन सेकंड के साथ था एंड थर्ड का रिलेशन फोर फिगर के साथ होगा क्योंकि बीच में रेशो दिया गया है। आपको फर्स्ट एंड सेकंड का रिलेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाली में रिक्टेंगल था एंड सेकेंड वाली में रिक्टेंगल हटा कर सर्कल अंदर कर दिया गया है ट्राइंगल के, इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। एंड अब आपको थर्ड फिगर पे आना है। थर्ड फिगर में वैसे ही जैसे फर्स्ट फिगर में रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल है एंड ट्रायंगल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है एंड देन उसके अंदर एक डॉट है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फोर्थ जो आपको ब्लैंक फिगर दी गई है उसमें पहले तो आप रेक्टेंगल हटाओ। जैसे फर्स्ट में रेक्टेंगल सेकेंड में नहीं है, इसी प्रकार से आप थर्ड में रेक्टेंगल है, फोर्थ में आप रेक्टेंगल नहीं लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन से मैच खाना चाहिए थर्ड एंड फोर्थ फिगर का। ओके, इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। देन आप ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी में क्या है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है लेकिन वो रेक्टेंगल सीधा नहीं है क्योंकि सीधा क्वेश्चन वाली जो थर्ड वाली फिगर है उसमें सीधा रेक्टेंगल है देन डॉट है एंड फोर वाली जो फिगर है उसमें थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है आपके रेक्टेंगल को। ये वाली फिगर ही आपकी राइट होगी बिकॉज आप ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर देखिए, उसमें पहले रेक्टेंगल है देन अंदर ट्रायंगल है। रेक्टेंगल हमें ऑप्शन नंबर फोर में लगाना ही नहीं है क्योंकि उसे हमें हटाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर राइट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी वाली में भी रेक्टेंगल है देन अंदर एक और छोटा रेक्टेंगल है तो ये भी राइट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी में ट्रायंगल है, उसके अंदर रेक्टेंगल है, उसके अंदर डॉट है, ये वाली फिगर सेम और क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फिगर है उस फिगर से मैच खा रही है, इसलिए हमारी ये वाली फिगर भी नहीं होगी स्टूडेंट्स। हमें जो फोर्थ फिगर चाहिए वो थोड़ी चेंज में चाहिए। अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड वाली सेम फिगर वहीं ऑप्शन नंबर फोर में लगा लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर में रेक्टेंगल तो हटाया गया है स्टूडेंट्स, लेकिन सर्कल के अंदर ट्रायंगल था और ट्रायंगल के अंदर सर्कल लगा दिया गया, इसलिए आप ऑप्शन नंबर थ्री वाली फिगर में कुछ चेंजेस करोगे। रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ ऑप्शन में हमें दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर बिल्कुल करेक्ट होगी स्टूडेंट्स क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज है, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर में रेक्टेंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, वो वाली फिगर आपको ऑप्शन नंबर ब्लैंक वाली फोर में नहीं लगानी है क्योंकि हमें रेक्टेंगल नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में भी रेक्टेंगल है, उसके अंदर छोटा रेक्टेंगल है, उसके अंदर डॉट है, वो फिगर भी हमें नहीं चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी में ट्राइंगल है, उसके अंदर छोटा रेक्टेंगल है, उसके अंदर ब्लैक डॉट है, वो फिगर भी हमें नहीं चाहिए कि वो फिगर क्वेश्चन थर्ड से मैच खा रही है, हमें थोड़ी फिगर चेंज चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर में ट्राइंगल है, उसके अंदर रेक्टेंगल है पर उसे थोड़ा तिरछा कर दिया गया स्टूडेंट्स, वो सीधी नहीं है, देन डॉट है, तो ये वाली फिगर हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप स्टूडेंट्स, आपको दो क्रॉसेस दे रखे हैं, टू क्रॉसेस, ओके, टू क्रॉसेस दे रखे हैं आपको, टू एरोज हैं, दो एरो हैं, दो एरो हैं, उनको आपने क्रॉस कर रखा है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का रिलेशन फर्स्ट के साथ है, उसमें वो जो दो एरो हैं वो प्लस में हो गए हैं, राइट स्टूडेंट्स। आपको फर्स्ट एंड सेकंड का रिलेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स, पहले दो एरो क्रॉस हैं, फिर सेकंड वाली फिगर में दो एरो प्लस कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, एक रेक्टेंगल है, उसमें टू क्रॉसेस ऐसे लगे हुए हैं, दोनों साइड्स पे टू क्रॉस लगा दिए गए हैं, एंड ऑप्शन नंबर फोर में ब्लैंक आपको फिगर ऑप्शन में से ढूंढनी है। आपको इतना समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स कि ऑप्शन फर्स्ट में टू एरोज हैं वो क्रॉस हैं, सेकंड में वो प्लस होंगे, इसी प्रकार से थर्ड में टू क्रॉस लगाए गए हैं और फोर्थ में वो क्रॉसेस प्लस होंगे। सी स्टूडेंट्स, आप फिगर को देखिए, ऑप्शन नंबर ए वाली भी सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ऑप्शन सी भी सही नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि ऑप्शन ए में आपका रेक्टेंगल एंड क्रॉसेस सेम है जो आपको थर्ड में दे रखा है, वो हमें नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, एंड ऑप्शन नंबर बी में बी प्लस में तो है लेकिन वो रेक्टेंगल टेढ़ा है, हमें सीधा रेक्टेंगल चाहिए स्टूडेंट्स, जो थर्ड में है वही रेक्टेंगल चाहिए हमें, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में भी वही सेम फिगर हो रही है, बस पॉइंट जो ब्लैक डॉट है वो ऊपर कर दिया गया है, हमें सेम फिगर नहीं चाहिए, हमें क्रॉसेस को सीधा करना है, जैसे फर्स्ट क्रॉसेस को सीधे हो रखे हैं सेकंड में, इसी प्रकार से हमें थर्ड क्रॉसेस को रेक्टेंगल के अंदर सीधा करना है, इसीलिए आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर एकदम करेक्ट होगी स्टूडेंट्स। आपको रेक्टेंगल के अंदर जो है ना वो बॉक्सेस सीधे करने हैं, वो टेढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो क्रॉस लाइन जा रही है, उस क्रॉस लाइन को आपको सीधा करना है रेक्टेंगल के अंदर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक छोटा ट्रायंगल दिया गया है एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में उस ट्रायंगल का रेक्टेंगल बना दिया गया है, वो रेक्टेंगल भी थोड़ा सा टेढ़ा है स्टूडेंट, सीधा नहीं है, आप ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ हो गया, आपको इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल का रेक्टेंगल बनाना है। हम थर्ड एंड फोर्थ फिगर में भी ऐसा ही करेंगे, दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, उनका हमें एक ट्रायंगल का एक रेक्टेंगल बना, अब दो ट्रायंगल का हम दो रेक्टेंगल्स बनाएंगे, वो भी थोड़े से टेढ़े सीधे नहीं, ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर एकदम करेक्ट होगी जो क्वेश्चन नंबर फोर में मैच खाएगी। बिकॉज आप ऑप्शंस में देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल है, हमें एक रेक्टेंगल नहीं चाहिए क्योंकि एक ट्रायंगल का एक रेक्टेंगल बना, अब हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो ट्रायंगल दे रखे हैं तो हमें दो रेक्टेंगल्स बनानी है, ओके। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी फिगर मैच नहीं खा रही है, उन्होंने दो ट्रायंगल्स को ही ऐसे आपस में जोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर सी में रेक्टेंगल तो बने हैं लेकिन वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाली फिगर से मैच नहीं खा रहे हैं, एकदम सीधे बॉक्सेस लग रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ बिल्कुल मैच खा रही है, बिल्कुल उसी शेप में ये लगे हुए हैं जिस शेप में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एंड हमें दो चाहिए और ऑप्शन नंबर डी में हमें दो भी प्रोवाइड किए गए हैं।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है उसके अंदर दो क्रॉसेस लगाए गए हैं और एक साइड को वो ट्रायंगल बन गया है, उस एक साइड में अंदर लाइंस थोड़ी खींची गई हैं, उसे शेड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब जितने खाली पार्ट्स हैं, तीन खाली पार्ट्स, उसको आप हटा दीजिए एंड जो आपकी ये फिगर है शेड वाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की शेड वाली फिगर को आप बीच में से पकड़कर उसे थोड़ा सा नीचे की ओर ले आइए तो वो ऑप्शन नंबर सेकंड की तरह दिखेगी। राइट स्टूडेंट्स, आप उसे पकड़ कर थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो वो क्वेश्चन सेकंड की तरह दिखेगी, अगर आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीन ब्लैंक्स फिगर को हटा दोगे तो। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन थर्ड को देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल है उसमें एक कोने पर ऐसे शेड किया गया है, बाकी पूरा सर्कल 1/4 पार्ट पर शेड किया गया है एंड पूरा सर्कल आपका खाली है। अब पूरे सर्कल को आप हटा दीजिए, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में खाली जगह आपने रेक्टेंगल की हटा दी, सिर्फ शेड वाली जगह बची, इसी प्रकार से आप पूरे सर्कल को हटा दीजिए और उसे बीच में से पकड़ कर आप उसे नीचे की ओर ले आइए 90 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप उसे नीचे नहीं ला रहे हो, आप वो फिगर वैसी की वैसी ही है, ऑप्शन ए में जो फिगर है वो फिगर वैसी ही है जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, बस सर्कल हटा दिए गए हैं, तो ये फिगर नहीं होगी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फिगर है उसे हम नीचे की ओर 90 डिग्री में लाए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर आपके सर्कल की करेक्ट नहीं होगी। ऑप्शन बी वाली हम नीचे की ओर ट्राइंगल की शेड को लाएंगे तो 90 डिग्री में ये वाली फिगर करेक्ट हो रही है हमारी, एंड ऑप्शन सी वाली फिगर भी करेक्ट नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, उसे उल्टा कर दिया गया है, वो 90 डिग्री में नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर भी नहीं करेक्ट हो रही है क्योंकि वो नीचे तो है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर है, जो हमें क्वेश्चन सेकंड में किया गया है वही हमें अपने क्वेश्चन नंबर फोर में करना है। तीनों शेड्स हटा दी गई हैं क्वेश्चन फर्स्ट में एंड जो रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल की शेड है उसे हमें 90 डिग्री में लाया गया है। इसी प्रकार से हम जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो सर्कल है स्टूडेंट्स उसमें जो शेड है उसे हम 90 डिग्री में लाएंगे, उसे इधर उधर हिलाना नहीं है हमें, जो हमें क्वेश्चन सेकंड में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वही इंस्ट्रक्शन हमें अपने कंक्लूजन में फॉलो करनी है। ओके स्टूडेंट्स, उनका रिलेशन हमें अपने फोर्थ वाले फिगर में रिलेशन डालना है, उसी रिलेशन के हिसाब से हमें फोर्थ वाला रिलेशन सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में आपको वी बना हुआ है एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको डब्ल्यू बनाया गया है, इनका रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए स्टूडेंट्स, वी बना हुआ है लेकिन वो उल्टा वी है, उस वी को उल्टा कर दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड में हमने एक और वी लगा दिया, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर ब्लैंक जो है फोर उसमें हम एक और वी उल्टा लगा देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर राइट है, एक और वी उल्टा लगा दिया हमने तो एम बन जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है, डब्ल्यू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं है, एन नहीं होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी वाली भी करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, जो हमें फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन दे रखा है वही हमें थर्ड एंड फोर्थ फिगर में रिलेशन फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, आपको एक फिगर दे रखी है
एक वाई बना हुआ है, उस वाई की एक साइड पर एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर क्रॉस है एंड वाई की दूसरी तरफ जो है रेक्टेंगल बना हुआ है छोटा सा एंड वाई की जो नीचे वाली लाइन है उसमें ब्लैक डॉट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी फिगर यही हमें मेंशन कर रही है। अब इस सेकंड वाली फिगर में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, उस फिगर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिगर को पकड़कर उल्टा कर दिया गया है, जैसे हम अपने हाथ को उल्टा और सीधा करते हैं इसी प्रकार से इस फिगर को पकड़कर बस उल्टा कर दिया गया और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। इस फिगर में रेक्टेंगल देखिए आप, पहले सेकंड वाई की डंडी पर था वो फर्स्ट में आ गया, अगर हम उल्टा करेंगे तो इसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा। इसमें बस ये चेंजेस है कि नीचे जो वाई की डंडी में ब्लैक डॉट था वो ब्लैक डॉट हटा दिया गया है सेकंड फिगर में, हमें बस इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। वो फिगर उल्टी कर दी गई है एंड ब्लैक डॉट हटा दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फिगर दी गई है, एक रेक्टेंगल है उसके नीचे ब्लैक डॉट है एंड देन उसके टू साइड्स पर ऐसे एरो निकले हैं। इस फिगर को हम पकड़ कर उल्टा कर देंगे तो हमारे एरोज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हमें ब्लैक डॉट नीचे नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आप ऑप्शंस देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है एंड ऑप्शन डी भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो रेक्टेंगल के नीचे ब्लैक डॉट तो उन्होंने हटा दिए है, खाली है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उसके जो टू एरोज हैं उनमें डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, टू एरोज ऑप्शन नंबर ए में डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगी। रेक्टेंगल के पास भी एरो है एंड देन ऊपर की तरफ भी एरो है। ऑप्शन नंबर बी हमारे बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, कोई चेंजेस नहीं है, एरो में भी नहीं है एंड ब्लैक डॉट भी हमें नहीं दे रखा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाली सही होगी। ऑप्शन नंबर सी वाली हमें सही लग रही है, लेकिन आप स्टूडेंट्स देखिए डॉट तो नहीं है नीचे, ब्लैक रेक्टेंगल भी इस तरह से हमें दे भी रखा है एंड ऊपर एरो भी है, लेकिन इसमें जो एरो बना हुआ है स्टूडेंट्स, एक एरो नीचे की तरफ है, एक एरो ऊपर की तरफ है क्वेश्चन में। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में एक एरो नीचे की तरफ है, एक एरो ऊपर की तरफ है, वो उससे मैच नहीं खा रहा है। एरो में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आपको एरो के शेड को भी ध्यान से देखना है कि किस शेड में कौन सा कलर है एंड वो शेड उस शेड से मैच खा रही है कि नहीं खा रही है। इसी प्रकार आप जो ऑप्शन नंबर डी में देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी में एरो है लेकिन वो दो एरो ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चन थर्ड दे रखा है वो हमारे दो एरो ऊपर वाले दो एरो एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है, एक राइट साइड पे जा रहा है, लेकिन उसके नीचे जो एरो हैं वो एक नीचे जा रहे हैं, वो एक ऊपर जा रहे हैं, हमें वो भी देखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आपको फिगर को बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक यहाँ पर फिगर दे रखी है, एक ट्यूब बना हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ट्यूब बना हुआ है एंड उसके एक साइड पर ऐसे ब्लैक शेड कर दी गई है, वो ट्यूब का जो माउथ है वो नीचे की ओर है। इसी प्रकार से सेकंड वाली फिगर को देखिए आप स्टूडेंट्स, सेकंड वाली जो फिगर है उसका ट्यूब का जो माउथ है वो पहले वाली फिगर में नीचे की तरफ सा एंड दूसरी वाली फिगर में वो ट्यूब का माउथ राइट साइड पर है एंड उस ट्यूब की जो चौड़ाई है वो कम कर दी गई है, राइट स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया। पहले नीचे की तरफ वो देख रहा है ट्यूब और सेकंड वाली फिगर में उस ट्यूब की चौड़ाई कम करके वो राइट साइड पर देख रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए आप स्टूडेंट्स, एक ट्यूब है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर में
ट्यूब हम लेफ्ट की तरफ दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड उस ट्यूब की जो चौड़ाई है वो हम कम कर देंगे, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में थोड़ा डिफरेंस है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज फर्स्ट वाली जो है वो नीचे देख रही है, हमें नीचे नहीं देखना है। सेकंड वाली जो है वो राइट हैंड साइड पर देख रही है पर उसमें ब्लैक शेड नहीं है। थर्ड वाली जो है बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, उस ट्यूब की चौड़ाई भी सेकंड वाली ट्यूब की तरह उतनी ही कम है जितनी हमें चाहिए, एंड वो लेफ्ट हैंड साइड पर देख रही है क्योंकि हमें अपनी फिगर लेफ्ट हैंड साइड पर ही दिखानी है। एंड फोर वाली जो डी वाली ऑप्शन वाली जो ट्यूब है वो चौड़ी बहुत ज़्यादा है, इतनी चौड़ी हमें नहीं चाहिए, एंड उसके ट्यूब का जो मुंह है एंड उसकी शेड है वो भी बहुत चौड़ी है, इतनी हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाली जो फिगर है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड से मैच खा रही है चौड़ाई में भी, एंड वो लेफ्ट साइड पर भी देख रही है क्योंकि हमें अब लेफ्ट साइड पर ही अपने ट्यूब का माउथ दिखाना है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आपको चौड़ाई लंबाई शेड एरो सब कुछ देखना है स्टूडेंट्स, देन आपका फोर कंक्लूजन इजीली निकल जाएगा। बस आपको पहले की जो तीन फिगर्स हैं उनको सॉल्व करना है, देन आपका फोर फिगर इजीली निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर यहाँ पर हमें मेंशन की गई है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है लेकिन वो सीधा नहीं है, उसके अंदर दो सर्कल्स हैं। अब सेकंड वाली फिगर में वो दो सर्कल्स हटा दिए गए हैं, ब्लैंक है वो बिल्कुल, इतना हमें समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब थर्ड वाली फिगर को आप देखिए स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक ब्लैक डॉट है। इसी प्रकार से हम फोर्थ में जो ब्लैंक है जो हमें फिगर ढूंढनी है ऑप्शन में, उस फिगर को हम थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर जो डॉट है उसे एकदम खाली कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट इसलिए जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप अंदर से उस डॉट को एंड लाइंस को हटा दोगे तो आपकी फर्स्ट और सेकंड फिगर जैसे ही दिखेगी, आपकी थर्ड वाले क्वेश्चन वाली फिगर फोर ऑप्शन नंबर सी की तरह नहीं दिखेगी, एंड ऑप्शन नंबर डी में अंदर पॉइंट लगा दिया गया वो भी नहीं दिखेगी क्योंकि हमें पूरी क्वेश्चन नंबर थर्ड को ब्लैंक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एंड सेकंड में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि फर्स्ट भी वैसे ही दिख रही है एंड सेकंड भी वैसे ही दिख रही है, ऑप्शन ए भी सेम है और ऑप्शन बी भी सेम है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए सेम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, एंड ऑप्शन बी जो है वो उतने साइज की है जितनी आपकी क्वेश्चन थर्ड वाली फिगर साइज की है, इसलिए आपकी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा क्योंकि उसका साइज क्वेश्चन नंबर थर्ड वाली फिगर के साथ साइज के साथ मैच खा रहा है, एंड ऑप्शन ए वाली जो है वो बहुत थोड़ी बड़ी है उससे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए एंड बी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपको साइज भी मैच करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर फिगर दे रखी है, यहाँ पर आपको पेपर कटिंग वाली फिगर दे रखी है, आपको ऊपर देखिए स्टूडेंट्स पेपर कट करना है। फर्स्ट वाली जो फिगर है वहाँ ऊपर की ओर एक लाइन खींची गई है ऊपर से और अलग से एक पेपर निकाला गया है, उस पेपर को अगर आप कट करोगे सीजर से तो सेकेंड वाली फिगर की तरह आपका नीचे वाला पोर्शन दिखेगा। राइट स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन थर्ड को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी पेपर कटिंग वाला ही ऑप्शन है आपका, ऊपर की तरफ एक लकीर खींची गई है देन अलग से एक पेपर निकल रहा है, उस पेपर को आप सीजर से काट दोगे तो आपका जो क्वेश्चन थर्ड है वो कैसा दिखेगा, वो आपको क्वेश्चन फोर में ऑप्शन में चूज करना है। ऑप्शन ए की तरफ बिल्कुल नहीं दिखेगा, ऑप्शन बी की तरह दिखेगा, ऑप्शन सी की तरह भी नहीं दिखेगा, एंड ऑप्शन डी की तरह भी नहीं दिखेगा। आप बस क्वेश्चन थर्ड को ऊपर से कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको बस पेपर कट कर दो, वो जो पेपर आपको ऊपर से एक्स्ट्रा निकाला गया है उस पेपर को आपको कट करना है क्योंकि फर्स्ट वाली फिगर में पेपर कट ही है और
बाकी सेम फिगर हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड में पेपर ऊपर से जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उस पेपर को कट कर देंगे एंड सेम फिगर हम क्वेश्चन नंबर फोर में अपने मेंशन कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक दो हमें सर्कल्स दे रखे हैं अंदर की ओर एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन दो सर्कल्स को हमने जोड़ दिया है आपस में। इसी प्रकार से इतना रिलेशन आपको फर्स्ट एंड सेकंड में समझ में आ गया स्टूडेंट्स, दो सर्कल्स हैं एंड क्वेश्चन सेकंड में उन दो सर्कल्स को आपस में जोड़ दिया गया है एंड थर्ड जो फिगर है हमारी उसमें दो फिगर्स दे रखी है। अब फोर्थ में ब्लैंक है, अब उन हम थर्ड वाली फिगर्स को सेकंड वाली फिगर्स की तरह जोड़ देंगे आपस में तो हमारा फोर्थ ऑप्शन निकल आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उन दो फिगर्स को जोड़ रही है जो जैसे हमें सेकंड वाली फिगर में जोड़ना है वैसे ही हमें फोर्थ वाली फिगर में जोड़ना है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें दो फिगर्स अलग अलग है, एक का माउथ राइट साइड पे जा रहा है एक का माउथ लेफ्ट साइड पे जा रहा है एंड दोनों फिगर्स के बीच में गैप है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें नहीं रखना है स्टूडेंट्स क्योंकि हमें दोनों फिगर्स को जोड़ना है आपस में। ऑप्शन नंबर सी को भी आप देखिए, डिफरेंस है, एक ऊपर की ओर जा रही है एक नीचे की ओर जा रही है एंड ऑप्शन नंबर डी में भी आप देखिए स्टूडेंट्स दोनों की बैक साइड्स जॉइंट्स हैं, हमें बैक साइड जॉइंट नहीं करनी है स्टूडेंट्स। हमें जैसे क्वेश्चन थर्ड में फिगर दे रखी है एक का माउथ नीचे की तरफ है एक का माउथ ऊपर की तरफ है, हमें सिर्फ ऐसे ही जॉइंट कर देना है, हमें उनको हिलाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में हिला कर उनके बैक साइड्स को जॉइंट किया गया, हमें बैक साइड को जॉइंट नहीं करना है स्टूडेंट्स, जैसी फिगर है हमें वैसे ही उठाकर उन्हें जॉइंट कर देना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जैसी फिगर है वैसे ही उठाकर जॉइंट कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये थे रीजनिंग के फिगुरल एनालॉजी के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फिगर मेंशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में 5-5 मिनट नहीं लगाने हैं स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके ये क्वेश्चंस सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस में, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स के आते हैं और इन एक एक मार्क्स को सिक्योर करते ही हम अपनी गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। आप सिर्फ ये मोटिव बना लो अपना कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मुझे हर क्वेश्चन वहाँ पर राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, देन आप क्लियर हो जाओगे। आज फादर्स डे है स्टूडेंट्स, हैप्पी फादर्स डे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक, उन फ्रेंड्स तक जिन्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एडुकेशन से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।